प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहना धन महाकाल जी। साथ संगत जी, आज 24 अप्रैल मानव एकता दिवस पे हम सब यहाँ श्रद्धा से बैठ के बाबा गुरबचन सिंह जी और उन संतों महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे अंदर इंसानियत के गुण भरने के लिए अपना जीवन लगा दिया, हम मानवता के रास्ते पे सही तरीके से चल पाए उन्होंने उसके लिए अपना बलिदान तक दे दिया। जब से बाबा गुरबचन सिंह जी के कंधे पे शहनशाह जी ने इस मिशन की जिम्मेदारी डाली, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे हालात जैसे भी रहे वो आगे बढ़ते रहे इस इंसानियत, भाईचारा और प्रेम का संदेश देने के लिए। और राजमाता जी ने पूरा योगदान दिया उनके साथ। साथ संगत जी, जो नींव शहनशाह जी ने रखी, बाबा बूटा सिंह जी ने रखी, उसको और ऊंचाइयों तक लाने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने अनेकों कार्य ऐसे किए, चाहे वो मसूरी कॉन्फ्रेंस या लुधियाना कॉन्फ्रेंस में कहीं रूल्स रेगुलेशंस पास किए जिसके साथ मिशन का और सुधार हो पाए। उन्होंने हमसे यही चाहा और यही समझाया कि हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठें और इस मिशन के बारे में सोचें, तभी हम इस मिशन को आगे लेके जा पाएंगे। जो समय हम फजूल की बातों में वेस्ट करते हैं या जो समय इधर उधर के फजूल के कामों में वेस्ट करते हैं, वही समय हम पॉजिटिविटी के साथ अपनी नेगेटिविटी छोड़ के इस इंसानियत के सुधार के लिए लाएं, इस सत्संग में बैठ के समय बिताएं। हम सत्संग करेंगे तो हमारे जीवन में भी सुधार आएगा, हमारी सोच और कर्मों में भी सुधार आएगा। साथ संगत जी, चाचा प्रताप सिंह जी के भी जीवन से आप सब वाकिफ़ हैं। उन्होंने अपने गुरु का एक एक इशारा समझा और सिर्फ समझा ही नहीं, उसके ऊपर पूरे तरीके से अमल भी किया। चाहे केंद्रीय अधिकारी रहे, अभी आपने जैसे सुना, पर उनके अंदर ये कभी भावना नहीं आई कि मैं कोई अधिकारी हूँ, हमेशा सेवा भावना ही उनके अंदर रही। साथ संगत जी, पिछले वर्ष 24 अप्रैल को यहीं पे आपने बावई के शरीर रूप में सत्संग में अंतिम दर्शन किए थे। उसके बाद अगले दिन बावई की न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी, जहाँ दासी ऑलरेडी गई हुई थी कुछ ट्रीटमेंट के लिए। जो जिम्मेवारी आपने, आप सब ने, बाबा जी ने मेरे कमज़ोर कंधों पे डाली है, यही अरदास है, उसे पूरे तरीके से जैसे बाबा जी ने, आप सब ने चाहा है, मैं निभा पाऊँ। जैसे सब महापुरुषों ने अपना जीवन जी के हमें सिखाया, उसकी हम कदर कर पाएँ, वैसा ही जीवन हम सब जी पाएँ। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।